जनपद मुरादाबाद के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष माननीय अशफाक सैफी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुनवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और कहा यह सरकार ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है और कहा समाज के सभी लोगों को न्याय मिले, तुष्टिकरण किसी का भी ना हो। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति के तहत दूर दराज से आए पीड़ितों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पीड़ितों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके साथ ही जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी को लेकर समीक्षा बैठक की तथा समस्त अधिकारियों को आदेश किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्तियों तक लाभ पहुँचाया जाए। अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी मदरसे को कोपसो में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। अब तक मदरसों से पढ़कर फारिग होकर छात्र सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों तक ही नौकरियों में जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच ने एक नई दिशा दी है कि अब आपके मदरसे कोपसे में पंजीकृत हो जाएंगे, तब वहाँ से तालीम हासिल करने वाले को भी विद्यालयों की मान्यता होगी, वह भी सरकारी नौकरियां सहित फौज में अपनी सेवा दे पाएंगे। इस कदम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अध्यक्ष माननीय अशफाक सैफी ने शुक्रिया भी अदा किया। आज केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं, उस संबंध में यहां समीक्षा बैठक रही है मुरादाबाद। यहाँ हमारे DM और SSP साहब और समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र की और प्रदेश की सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम यहां जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, वो सराहनीय है। और ये सरकार ईमान, इंसाफ, इकबाल की सरकार है। यहां सभी को न्याय मिल रहा है, तुष्टिकरण किसी का नहीं है। माननीय मोदी जी का नारा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, माने दीन की तालीम के साथ साथ कुरान के पढ़ने के साथ साथ अगर मुस्लिम बच्चे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ेंगे तभी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर समाज को शिक्षा मिले, हर समाज को घर मिले, हर बेरोजगार को रोजगार मिले और इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ समीक्षा बैठक की है। हाँ, प्रचार प्रसार का अभाव हमको भी लगा है और इसके लिए हमें यहाँ निर्देश भी दिए हैं और उसके लिए जल्दी ही जो जितना काम इस सरकार में हुआ है इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए। ये सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा में आए और इनके बच्चे भी पढ़कर IAS, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस देश के विकास में उनका भी योगदान रहे। तो प्रचार प्रसार के लिए सैलरी हमारी प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है और केंद्र सरकार, क्योंकि ये जो विभाग था पहले HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता था, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है, वहाँ पे जल्दी ही वो जो सैलरी है वो भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष माननीय अशफाक सैफी जनपद मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने केंद्र व राज्य की जन कल्याण योजनाओं से अवगत कराया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए तथा बताया यह सरकार इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार है तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ सभी को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप मुरादाबाद से।